हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल कुकिंग फाइल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके साथ सेम फली की बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत नए तरीके से है। चलो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं देखो सेम की फली लिए थे और इसको बढ़िया ऐसे देखो देख लिए, क्योंकि कीड़ा उड़ा नहीं पड़ा था। इसका जो मोटा रेशा होता है उसको निकाल के बीच से चीर के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिए हैं और चलो बनाना स्टार्ट करते हैं और इसको धुल लिए हैं। देखो गैस पे हम ये पैन चढ़ाए हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा मेथी का दाना डालते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है, थोड़ा सा मेथी का दाना डालते हैं, एक चम्मच जीरा डालते हैं, एक चम्मच जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी सौंफ डालते हैं और इसको बढ़िया से चलने हैं, रोस्ट करते हैं। इसको खूब बढ़िया से रोस्ट कर लेते हैं। ये देखो हम इसको खूब बढ़िया तरह से रोस्ट कर लेते हैं और इसको हम गैस का फ्लेम बढ़ा के एक में खाली करते हैं कूटने के लिए। इसको हमको बढ़िया से इसे कूट लेंगे अभी और वापस से पैन चढ़ाए हैं गैस पे और गैस का फ्लेम धीमा करते हैं। अब उसमें हम डालते हैं सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसी में हम जो ये सेम की फली काट के रखे थे इसको इसी में ऐड करते हैं और इसको चलाते हैं। ये देखो इसको बढ़िया से भून लिए हैं और इसको हम खाली कर लेते हैं। वापिस से हम थोड़ा सा तेल डालते हैं। आप लोग सेम के फली को ऐसे भी बना सकते हैं, तेल में न फ्राई करेंगे तब भी अच्छी बनती है। और तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसी में हम थोड़ा सा मेथी का दाना डालते हैं हल्का सा। मेथी का दाना हमारा चटक गया है। इसमें हम प्याज काट के रखे थे, हरी मिर्च, लहसुन, इसको इसमें ऐड करते हैं। इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। प्याज हमारी हो गई है। आप लोग प्याज के साथ ही सेम की फली को इसी में भून लें। अब इसी में हम टमाटर डाल देते हैं। अगर आप लोग पहले से सेम की फली तेल में नहीं भूनते हैं तो प्याज के साथ भूनिए। अब इसी में कुछ मसाला ऐड करते हैं, सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, दस कपड़े में बंद धीमा कर दें, गरम मसाला, थोड़ी सी कश्मीरी मेथी, इसे यहाँ पर टेस्ट करके डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, देखो मसाला गल जाएगा। इसको बढ़िया करके चला दें। इसी में हम आलू काट के रखे थे, आलू डाल दे रहे हैं। आप लोग अगर आलू नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसको बढ़िया तरह से मिक्स करके ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम फ्लेम करके ढक देते हैं। देखो आलू हम जो टमाटर रखे थे ये हमारा आलू को उठा के देखें, हल्की हल्की सी आलू हो गई है ये। इसको हम वापस बढ़िया चला देते हैं और जो इस शेम की फली रखी थी इसको इसमें ऐड करते हैं। इसको बढ़िया से वापस बढ़िया से मिक्स कर देते हैं मसाले को और आलू को। एक बार आप लोग इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है। अगर आप लोग को भुजिया सब्जी पसंद है तो आप लोग थोड़ा सा पानी डालें, अगर जूस पसंद है तो थोड़ा पानी ज़्यादा कर दें। हम वैसे भुजिया सब्जी बनाएंगे इसीलिए कम पानी ऐड कर रहे हैं। इसको हम गैस का फ्लेम धीमा करके स्वादानुसार नमक डाल के स्वादानुसार इसमें हम नमक ऐड करते हैं। इसमें और जो मसाला बना के रखे थे हम कूट के इसको इसमें ऐड करते हैं। इसको आप इस रख सकते हैं स्टोर करके, किसी और सब्जी में डाल देंगे अगर बच गया जाता है तो। इसको मिला देते हैं सब बढ़िया से।
दूंगा इसको, धीमा करके ढक देते हैं इसको 10 मिनट के लिए, ढक देते हैं 10 मिनट बाद देखते हैं फिर। ये देखो 10 मिनट हो गया है, हम देखते हैं अपनी सब्जी। सब्जी हमारी देखो बढ़िया हो गई है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो आधी बड़ी इलायची जो काली वाली आती है उसको हम कूट के रखे थे, आधी इलायची उसको इसी में डालते हैं और बढ़िया से इसको मिला लेते हैं। ठंडा होने के लिए ढक देते हैं इसको। उसके बाद सर्व करते हैं। वो सेम की फली की सब्जी बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।